है सच की आवाज। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। महीने पहले की अगर बात करें तो आप बीजेपी में थे और आपका ठीक ठाक रुतबा था, मुख्यमंत्री का भी घर आना जाना था, बीजेपी की बड़ी लीडरशिप से भी आपका मिलना जुलना था। अचानक से आखिर ऐसा कैसे हो गया कि आप सुर भी बदल गए और जो अपने थे वो दुश्मन बन गए? मुख्यमंत्री ने मेरे घर खुद आया था, मैंने उसको बुलाने गया था रैली कराने के लिए। पहला आदमी हूँ जिसने, जब सबसे पहले तो सरसा वालों के वजह से सरकार बनी थी, उनके अनुयायियों की वजह से, जब उनके भी काम नहीं हो तो एक दिन मैं चंडीगढ़ था, मैंने कहा हमारे तो नहीं करते, इनके तो काम करो। और जब सरसा वालों के साथ इन्होंने उसको चीटिंग करके यहाँ लेकर आए, दो आदमी ऐसे हैं मुख्यमंत्री और ये रामविलास शर्मा, इनको कभी भी जिंदगी में कोई माफ नहीं करेगा। कोर्ट ने जो किया करते, जिस तरीके से लोगों को, निहत्तों को अंदर करना, ये करना, वो करना, आखिर जिसकी वजह से राज आया आप उसी के ऊपर वार कर रहे हो, तो आगे देख लेना। आगे इनसे सरसे वाले नाराज, SC एक्ट को छेड़खानी की वजह से SC नाराज, किसान नाराज, नौजवान नाराज, वोट कहीं ऊपर से थोड़ी पड़ेंगे। ब्राह्मण नाराज, जो ब्राह्मणों के खिलाफ बयान दिया था, ब्राह्मण मुख्यमंत्री ने बनाया। मुख्यमंत्री तो भी कह रहे थे कि मैं पंजाबी समुदाय का मुख्यमंत्री हूँ, ऐसे पोस्टर छपे और कुछ लोगों ने विरोध भी किया, और दूसरे जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि आप तो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, पंजाबी समुदाय का मंत्री बता रहे हैं। क्या किया पंजाबियों का, एक काम तो बताओ, चेयरमैन और MLA बनाने से, उनके कहने से कोई सिपाही तो कहना नहीं मानता, कोई चपरासी बरती नहीं किया, ऐसे नहीं। पंजाबी भी दुखी हैं बिल्कुल। अब देखना मेरे को कितने पंजाबी समर्थन दे रहे हैं, बिल्कुल उससे ना पंजाबी खुश, ना इससे बनिया खुश, ना जाट खुश। इसके ऊपर तो ये कहावत लागू होती है, वारे मनोहर लाल खट्टर तेरे ठाट, भीतर तो रोवे तेरे को पंजाबी ब्राह्मण बाणियर, बाहर रोवे SC BC जाट। कुरुक्षेत्र में सैनी समुदाय का बहुत बड़ा होल्ड है, बहुल यहाँ सैनी बाहुल्य अगर कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप शर्मा हैं, नाम के आगे भी पंडित लगाते हैं, क्या लगता है 36 बिरादरी का वोट आपको मिल पाएगा? 36 बिरादरी की वोट की वजह से मैं अकेली वोट पे सरपंच बनया, मेरा लड़का सरपंच बनया, मैं जिला परिषद का मेंबर बनया, 4 दुकान है पीपली मंडी में, 400 दुकानों में मंडी प्रधान बनया। जात पात से राजनीति जो कितने होल्ड है उनका, 70-80 हज़ार वोट है, होल्ड क्या है, 30 हज़ार वोट वाला अग्रवाल समाज का नवीन जिंदल बनता रहा और आज अग्रवाल समाज भी मुझे वोट देगा नवीन जिंदल के ना होने से। आप देख रहे हैं सच की आवाज। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।